हेलो दोस्तों, एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे सीडी रोम ड्राइव क्या होता है। सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा प्रायः एक ही बार लिखा जाता है और फिर उसे कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। यह एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी होती ही है। इसमें प्रायः ऐसी सूचनाएँ स्टोर की जाती हैं जो स्थायी प्रकृति की हो अथवा जिनकी आवश्यकता बार बार पड़ती हो, जैसे टेलीफोन डायरी, डायरेक्टरी, हवाई जहाज़ की उड़ानों की जानकारी, समय श्रेणी, पुस्तकें, पुस्तकालय की सूची, कानूनी सूचनाएं, फिल्म, बड़े बड़े प्रोग्राम या पैकेज आदि। इन डिस्कों पर डेटा स्टोर करने का तरीका फ्लॉफी था हार्ड डिस्क से कुछ अलग होता है। फ्लॉफी था हार्ड डिस्क में ट्रैक सेकेंडरी जो होता है अर्थात को सेंट्रल सर्कल के रूप में जो होते हैं, वही कॉम्पैक्ट डिस्क के ट्रैक सर्पिलाकार होते हैं। इसमें सभी सेक्टरों की लंबाई समान होती है। इन पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए लेजर की लाइट के साथ होती है, जिसे हम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन या लेजर कहते हैं। तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। सीडी पर से डेटा पढ़ने का कार्य एक विशेष उपकरण द्वारा किया जाता है, जिसे सीडी रोम ड्राइव कहते हैं। आजकल प्रायः सभी कंप्यूटर के साथ सीडी रोम ड्राइव अवश्य होता है, क्योंकि सभी तरह के सॉफ्टवेयर अब सीडी पर ही उपलब्ध होते हैं। सीडी पर डेटा लिखने का कार्य भी एक अन्य विशेष उपकरण द्वारा कॉम्पैक्ट डिस्क की सहायता से की जाती है, जिन पर आवश्यकता पड़ने पर फ्लॉफी की तरह डेटा पढ़ा तथा लिखा जा सकता है। लेकिन ये कुछ महंगी होती है और इनका प्रयोग अभी सीमित है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीडी रोम ड्राइव पे आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ये सभी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। सीडी लगाने के लिए आपके सिस्टम में देखते हैं जो होता है उसी को बोला जाता है सीडी ड्राइव, जहां पे आप सीडी या डीवीडी लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलिएगा।